नेपोटिज्म एक ऐसी बीमारी है जो हमारे इंडियन सिनेमा को अंदर से खोखला बना रही है। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने परिवार का सहारा लेकर बड़ी आसानी से फिल्मों में घुस जाते हैं और अच्छी खासी फिल्मों को आग लगा देते हैं। इस कड़ी में एक पॉपुलर नाम है अर्जुन कपूर का, जिनको लोग अक्सर उनकी नकली एक्टिंग या फिर कहूँ ओवर एक्टिंग के चक्कर में काफी बुरा भला सुना देते हैं। फिल्म चाहे कैसी भी हो, इमोशनल कॉमेडी या फिर एक्शन, अर्जुन के एक्सप्रेशन हमेशा सदाबहार रहते हैं। दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन अर्जुन बदलने वालों में से बिल्कुल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आज मैंने एक ऐसी फिल्म देखी है जिसके बाद पुराना आप सब कुछ भूल जाएंगे और अर्जुन कपूर का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक चीज आएगी, शब्द बोलने की जरूरत नहीं है शायद, समझदार को इशारा काफी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ पानीपत। अक्सर जब हिस्टोरिक टॉपिक्स के ऊपर फिल्में बनाई जाती हैं तो लोगों को सबसे बड़ा डर ये होता है कि फिल्में असलियत के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए और कहानी सिर्फ एक झूठ बनकर ना रह जाए। लेकिन पानीपत में अर्जुन ने जो मराठा योद्धा की इतनी नकली एक्टिंग करके दिखाई है, छेड़छाड़ तो छोड़ ही दीजिए, असल मायनों में उन्होंने मराठा शब्द के मतलब ही बदल दिए हैं। जो वीर योद्धा पानीपत की लड़ाई में शामिल हुए थे, आजकल उनकी आत्माएं भटक रही हैं और अर्जुन कपूर का एड्रेस ढूंढ रही हैं। जब फिल्म का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त है, एक सच्ची कहानी भी है जिसके बारे में आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसको पर्दे पे उतारने के लिए एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पानीपत एक दमदार फिल्म के नाम पर सिर्फ डब्बा बनकर रह गई? चलिए आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। फिल्म की कहानी पानीपत की थर्ड बैटल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लगभग 60-70 हजार लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। इस बैटल को हिस्ट्री की सबसे खूनी लड़ाई की तरह देखा जाता है, जिसमें मराठाओं का सीधा मुकाबला अफगानियों के साथ हुआ था। कहानी के दो लीड कैरेक्टर्स हैं, एक तरफ मराठा योद्धा सदाशिव राव भाऊ, जो अपनी वीरता के लिए काफी मशहूर थे और दिमाग से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को आसानी से जीत लिया करते थे। सामने दुश्मन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सदाशिव अपनी हिम्मत से उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर देते थे। दूसरी तरफ अफगानियों के राजा अहमद शाह अब्दाली हैं, जो मार काट करने के लिए जाने जाते थे और लूटपाट करके इनको लोगों का खून बहाने में काफी मजा आता था। इनका आतंक कुछ ऐसा था कि लोग इनका नाम सुनते ही अंदर से कांपने लगते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों को आपस में टकराना पड़ा और इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या मराठा अफगानियों पे भारी पड़े थे या फिर अफगानियों ने मराठाओं की कमर तोड़ दी थी? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म पानीपत। देखो, सच सच बोलूं तो फिल्म का अपना कुछ वजूद नहीं है। इससे पहले रिलीज हुई फिल्म बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के कुछ हिस्सों को जस का तस फिल्म में उतारने की कोशिश की गई है। बाजीराव मस्तानी से प्यार और रोमांस उठाया गया है, तो पद्मावत से रणवीर सिंह के कैरेक्टर की झलक आप संजय दत्त में साफ साफ देख सकते हो। इसके अलावा पानीपत में नया क्या है, तो जवाब है कुछ भी नहीं। बस फर्क इतना है कि उन फिल्मों में आप इमोशंस को फील कर सकते थे, लेकिन पानीपत में ना तो वीरता दिखाई पड़ती है और ना ही एक्टर्स में वो जोश देखने को मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत एक हिस्टोरिक फिल्म बनाने में पड़ती है। मराठाओं की बहादुरी ओवर एक्टिंग में बदल जाती है, रोंगटे खड़े करने वाले शब्द सिर्फ एक डायलॉग बन के रह जाते हैं, हार जीत वाले जश्न हमेशा नाच गाने में बदल जाते हैं और अर्जुन कपूर सदाशिव के कैरेक्टर को सुनील शेट्टी की फोटोकॉपी में तब्दील कर देते हैं। आप खुद सोचिए, जब एक फिल्म में ईमानदार सच्चे दिल वाला वीर योद्धा लोगों की पसंद ना बनकर विलन वाला कैरेक्टर, जिसको सिर्फ नेगेटिव एंगल्स में डाला गया है, वो पूरी फिल्म को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? अभी भी बोलने की जरूरत है क्या? दूसरी बात यह कि फिल्म काफी ज्यादा लंबी है। अगर आप ऑडियंस को थिएटर में 3 घंटे बैठा के रखने का सपना देख रहे हैं, तो फिल्म इतनी दमदार होनी चाहिए कि मन में सवाल आते रहे कि आगे क्या देखने को मिलेगा। लेकिन पानीपत में सिर्फ आपको धोखा मिलता है। फिल्म का नाम पानीपत जरूर है, लेकिन इसकी कहानी सदाशिव राव की पर्सनल लाइफ को ज्यादा फोकस में डालती है। 1.5 घंटे का फर्स्ट हाफ सिर्फ अर्जुन और कृति के रोमांस में खर्च कर दिया जाता है। अफगानी और मराठा क्या कर रहे हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती है। मशहूर पानीपत की लड़ाई की झलक आखिरी सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। उससे पहले ना तो संजय दत्त को फिल्म में ढंग से इस्तेमाल किया जाता है और ना ही उस वक्त की हिस्ट्री को फोकस में डालने की कोशिश की जाती है। मराठा कल्चर की डिटेल्स भी फिल्म से गायब नजर आती हैं। बीच बीच में फालतू के गाने भी डाल दिए जाते हैं, जिनका पानीपत की हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बॉलीवुड अपनी आदत से मजबूर है। बाकी बच गए अर्जुन कपूर, तो अभी कुछ और भी सुनना चाहते हो क्या? फिल्म में जब वो तलवारबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अखाड़े में पहलवानी कर रहे हैं। देश सेवा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऊपर से बनावटी बातें बोल रहा है। कृति सैनन फिल्म में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नजर आती हैं। मतलब आपके कैरेक्टर की एक रिस्पेक्ट है, पावर है, तो आप बाकी फिल्मों की तरह एक नॉर्मल लड़की जैसे कहानी में फिट नहीं हो सकती हैं। दीपिका प्रियंका से कुछ सीख लीजिए। बस एक संजय दत्त हैं जो फिल्म में अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते हैं। उनका काम है बुरा लगना, वो आपके मन में नफरत पैदा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन फिल्म का एक्स फैक्टर है मंत्रा, जिन्होंने अपनी पावरफुल एक्टिंग से सबको चौंका दिया है।
तो कम शब्दों में बोलूं तो पानीपत एक स्पेशल फिल्म बिल्कुल नहीं है और ना ही ये पूरे तरीके से बॉलीवुड की मसाला टाइप फिल्म है। ये दोनों के बीच में कहीं फंसकर रह जाती है और ना ही एंटरटेन कर पाती है और ना ही हिस्ट्री के बारे में कुछ ढंग से सिखा पाती है। मेरी तरफ से पानीपत को 5 में से 2 स्टार्स, 1 स्टार फिल्म में तैयार किए गए सेट्स और शूटिंग लोकेशंस के लिए और 1 स्टार संजय दत्त और मंत्रा की पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा अर्जुन कपूर की जानलेवा एक्टिंग के लिए, 1 स्टार फालतू में फिल्म को 3 घंटे लंबा खींचने के लिए और 1 स्टार कटेगा फिल्म से इमोशंस का नामो निशान मिटाने के लिए क्योंकि कुछ भी असली नहीं लगता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।